15 चिल्ड्रन आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में चैप्टर 15 क्रिया और काल। क्रिया किसे कहते हैं और काल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये दो पार्ट में है, क्रिया और काल। तो पहले क्रिया समझेंगे उसके बाद काल समझेंगे, ठीक है। वर्ब एंड टेंस, ओके। तो क्रिया किसे कहते हैं बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। क्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया का अर्थ होता है करना, कोई भी कार्य करना जो किया जाता है, करने का अर्थ है क्रिया, ठीक है। कुछ भी करना है उसे कहते हैं क्रिया, इसे कहते हैं क्रिया। किसी भी कार्य के करने को कहते हैं करना, ठीक है, करना, ओके। करना, कोई भी काम करना उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है बच्चों, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। कोई भी शब्द हो जिससे हमें ये पता चले कि कार्य किया गया है या कार्य हुआ है उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों क्रिया तभी संभव है जब धातु होगी, ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुएं कौन कौन सी हैं आप पढ़ चुके हो, पढ़, खेल, बैठ, उठ, खा, पी, सो, दौड़, जा, ये सब धातुएं हैं। इन धातुओं में ना या ता लगा देने से, प्रत्यय जोड़ने से इनका सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ना, पढ़ प्लस ना, पढ़ना, ठीक है, प्रत्यय लग गया, ता लगा दिए तो पढ़ता, ठीक है। खेलना, बैठना, सुनना, दौड़ना, जाना, ठीक है, जाता, दौड़ता, खेलता, पढ़ता। तो जो धातुओं में ना लग जाने से, ना प्रत्यय जोड़ने से इनका सामान्य रूप बनता है। अदरवाइज ये पढ़, खा, पी, सो, उठ, बैठ, ये सब धातुएं हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु के बिना क्रिया संभव नहीं है। तो बच्चों क्रिया के भेद, ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं, कोई भी काम के करने को क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा क्या है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद यानी क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो मूल रूप से क्रिया को दो आधारों पर विभक्त किया गया है, ठीक है। मूल रूप से क्रिया को दो आधारों पर विभक्त करते हैं, वे कौन कौन से हैं, पहला है बच्चों कर्म के आधार पर और दूसरा है संरचना के आधार पर। क्रिया के भेद जो है दो आधारों पर किए गए हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ओके चिल्ड्रेन। तो बच्चों हम पहले पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। आंसर होगा कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो बच्चों अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, अकर्मक क्रिया की क्या परिभाषा है, जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का फल, जो भी क्रिया का अर्थ है करना, और जब भी कुछ करा जा रहा है या किया गया है तो उसका फल सीधा किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया को बच्चों हम कैसे पहचानेंगे, आमिस नहीं होता है और कर्म यानी कोई ऑब्जेक्ट जब ना हो हमारे पास क्रिया करने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, बिना ऑब्जेक्ट की क्रिया हो तो वो अकर्म यानी आ माने नहीं, और कर्म कर्म नहीं है यानी जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। कर्म नहीं है यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, आ माने नहीं, तो वो हो गई अकर्मक क्रिया, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे बच्चा दौड़ता है, सुबह सो रही है, बच्चा दौड़ता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यह अकर्मक क्रिया हो गई। सुबह सो रही है, सुबह एक लड़की का नाम है, वह सो रही है, सोने की क्रिया हो रही है, डायरेक्ट इसका असर पड़ रहा है सुबह पर, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगी। जैसा कि परिभाषा में जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। कोई भी काम हो रहा उसका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। वाक्य में क्रिया के साथ क्या किसे या किसको लगाकर प्रश्न करें, यदि उत्तर नहीं मिलता तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट है हमारा सकर्मक क्रिया, ये है सकर्मक। स माने होता है साथ में, ठीक है, साथ में। और कर्म यानी कर्म, साथ में जब कर्म होगा तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे ये है मालिन माला गूंथ रही है, मालिन गूंथ रही है, क्या गूंथ रही है, माला। कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास, फूल है उसके पास जिससे वो माला बना रही है, तो जहां ऑब्जेक्ट होगा सकर्म, कर्म है साथ में, साथ में कर्म है, सामने है अमल नहीं, तो जहां ऑब्जेक्ट नहीं अकर्मक क्रिया होगी, ऑब्जेक्ट है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे पिताजी जलेबी खा रहे हैं, पिताजी खा रहे हैं तो सीधा कर्ता पर पड़ता प्रभाव, लेकिन क्या खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जिस वाक्य में भी कोई वाक्य है उसमें अगर कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है बच्चों। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है, वाक्य में आय क्रिया के साथ क्या किसे व किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर प्राप्त हो तो वह क्रिया सकर्मक है। जैसे मालिन माला गूंथ रही है, मालिन क्या गूंथ रही है, माला, ठीक है, आंसर हमको मिल गया। तो बच्चों ये हो गया क्रिया किसे कहते हैं, यानी किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए गए हैं, एक कर्म के आधार पर, एक संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अब बच्चों हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, ओके, इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। बच्चों संरचना के आधार पर क्रिया के पांच भेद हैं, ठीक है, वो कौन कौन से भेद हैं, संरचना के आधार पर क्रिया के पांच भेद। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। बच्चों ये बहुत इजी है, संरचना के आधार पर क्रिया के पांच भेद जो हैं, सामान्य क्रिया जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, सामान्य क्रिया सिंपल टेंस, ठीक है, सामान्य क्रिया सिंपल वर्ब। सिंपल वर्ब में क्या होगा बच्चों, वाक्य में जहां एक ही क्रिया का प्रयोग हो, सिंपल वर्ब यानी सामान्य क्रिया उसे कहते हैं जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो रही हो, वाक्य में जहां एक ही क्रिया का प्रयोग हो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे मैं 10 बजे सोया, मोनू ने खाना खाया, सोया और खाया क्या है, ये क्रिया है, ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपल वर्ब हो गया। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया, संयुक्त का अर्थ होता है बच्चों कंपाउंड, मिक्स, ठीक है, कंपाउंड होना। जैसे जहां दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है, दो हो या दो से ज्यादा हो उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड वर्ब यानी संयुक्त क्रिया। ऐसी क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया से मिलकर बनती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल है माता जी हरिद्वार से लौट और आई, लौट आई, ठीक है, दो क्रियाएं हो गई। अजय घर जा रहा है, ठीक है, यानी लौट आई, लौटना भी दो हो गई एक क्रिया, लौट, ठीक, ये भी एक क्रिया हो गई, और आई ये दो क्रिया हो गई, ठीक है, फर्स्ट क्रिया और सेकेंड क्रिया, लौट आई, ओके। तो इसमें क्या होगा, दूसरी क्रिया से मिलकर लौट आई, ठीक है, तो इससे मिलकर ये बनी है लौट आई, वापस आ गई। तो जहां पर इस टाइप की दो क्रियाएं हो वह क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। सामान्य क्रिया में क्या होगा, एक ही क्रिया होगी, इसमें क्या है, दो क्रियाएं हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया में बच्चों क्या है, संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अनुकरण वाची शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं, यानी जो इन सबसे मिलकर बनते हैं, जैसे किसके से, संज्ञा से मिलकर बने हो, सर्वनाम से मिलकर बने हो, विशेषण से मिलकर बने और अनुकरण वाची शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। नाम धातु का अर्थ है नाम देना, ठीक है, नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ है हाथ, ठीक है, अब हाथ बात बात में लोग क्या कहते हैं, हाथ, उनके हाथ में ये चीज चली गई, तो ऐसे में बोलकर बोलेंगे हथिया लिया, ठीक है, हथिया ना, हथिया लिया या हथियाना, तो ये क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। संज्ञा सर्वनाम
सर्वनाम क्या हो गया? अपना हो गया। विशेषण क्या हो गया? गरम, मोटा, दोहरा, लगड़ा, छोटा, बड़ा, ये क्या सर्वनाम हो गया। विशेषण विशेषता जो बताते हैं, बड़बड़, थपथप, टनटन, खटखट, ये सब क्या है। पहला है संज्ञा। संज्ञा में क्या आ जाता है? आपका हाथ, पैर, लाग, शर्म, ये सब क्या है? संज्ञा है। तो नाम धातु क्रिया वो क्या होगी? इनसे मिलकर जो हमको नाम दे देते, जैसे हाथ से हथियाना, लाग से हथियाना, शर्म से शर्माना। सर्वनाम अपना है तो उसको क्या हो जाएगा? अपनाना। तो बच्चों नाम धातु क्रिया क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से मिलकर बने शब्दों को, बने शब्दों के क्रियापद को इस नाम धातु क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। ये भी बहुत ईजी, प्रेरणार्थक क्रिया, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, प्रेरणा देना, प्रेरणार्थक। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है, जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ, मुझे कुछ काम करना है, या ये सोच लीजिए मुझे डस्टर का इस्तेमाल करना है, मैं खुद ना करूँ और किसी बच्चे से कह दूँ कि चलो इसको साफ कर दो, इसको मिटा दो, ठीक है। तो मैंने नहीं किया काम मेरा, लेकिन मैंने नहीं किया, किसी से करवा दिया, स्टूडेंट से करवा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है या कार्य करने की प्रेरणा देता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। लास्ट ये फिफ्थ नंबर, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व जैसे आपको नाम से पता, पूर्व माने पहले होता है। इसकी परिभाषा क्या है? मुख्य क्रिया से पूर्व, यानी जो मेन वर्ब होता है, उससे पहले यदि कोई अन्य क्रिया हो चुकी हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ने दिल्ली पहुंचकर फोन किया, पहले वो दिल्ली पहुंचे, एक क्रिया हो चुकी, दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने फोन किया, ये दूसरी क्रिया हो गई, ठीक है। तो मुख्य क्रिया से पहले पूर्व यदि कोई अन्य क्रिया हो चुकी हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। फोन करने से पहले वो दिल्ली पहुंच गए। सुनीता खेल कर थक गई, तो क्या हुआ? मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई अन्य क्रिया हो चुकी हो तो क्या हुआ? पहले वो खेली, ठीक है, फिर उसके बाद थक कर सो गई। तो जहां पर दो क्रियाएं होंगी, एक पहले हो जाएगी दूसरी बाद में होगी, उसे पूर्वकालिक क्रिया। जब कोई एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम किया जाए या होता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्रिया। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कल की क्लास में अपने डाउट क्लियर कर लेना, आप वीडियो देखना, बुक रीडिंग करना, जिससे आपका आधार डाउट आपका बुक रीडिंग में ही क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको डाउट होता है तो गूगल मीट क्लास में आप पूछ लीजिए। ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय, टेक केयर।